नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद की शैक्षिकी उन्नयन गोष्ठी MIT सभागार मुरादाबाद में शैक्षिकी उन्नयन के संकल्प के साथ संपन्न हुई। राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ द्वारा आयोजित शैक्षिकी उन्नयन गोष्ठी राष्ट्र निर्माण में मातृशक्ति की भूमिका विषय बोलते हुए मुख्य अतिथि मंडलायुक्त मुरादाबाद अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि माँ आदिशक्ति का प्रतीक है। महिला ही इस सृष्टि की आधारभूता है। महिला एवं पुरुष समानता के प्रयासों के मुकाबले उन्हें प्राकृतिक रूप से जो है उसी रूप में स्वीकार करते हुए समाज जीवन में आई विकृतियों को मिलजुल कर समाधान करने की ओर अग्रसर रहना चाहिए। महिला के प्राकृतिक गुणों पर पुरुष कार्य नहीं कर सकते और पुरुषों के प्राकृतिक गुणों पर महिला कार्य नहीं कर सकती, इसलिए अपने प्राकृतिक गुणों के अनुरूप दोनों को साथ समाज निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। मुख्य वक्ता राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ के उच्च शिक्षा संवर्ग के राष्ट्रीय प्रभारी महेंद्र कुमार ने कहा कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मातृशक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है। माता प्रथम गुरु होती है। जीवन के विभिन्न क्षेत्र में मातृशक्ति सृजनात्मक शक्ति के रूप में कार्य करते हुए सदियों से समाज जीवन को नई दिशा व दशा देने का कार्य करती रही है। प्रदेश उपाध्यक्ष जोगेंद्र पाल सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ उत्तर प्रदेश शैक्षिक उन्नयन व शिक्षक व मातृशक्ति सम्मान के प्रति विगत 25 वर्षों से संकल्पबद्ध एवं संघर्षरत है। माँ मातृभाषा मातृभूमि का पूरी दुनिया में कोई दूसरा विकल्प कहीं भी नहीं है। हमें अपनी माँ मातृभाषा और मातृभूमि का हमेशा सम्मान करना चाहिए। उन्नयन गोष्ठी में उच्च शिक्षा संवर्ग के जिला संयोजक प्रोफेसर DPS रावत, माध्यमिक संवर्ग के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजीव मोहन सिंह, जिला उपाध्यक्ष मेजर सुदेश भटनागर, महिला संवर्ग जिलाध्यक्ष डॉक्टर सीमा शर्मा, जिला संरक्षक डॉक्टर मधुबाला त्यागी सूरजपाल सिंह, जिला उपाध्यक्ष श्यामवीर सिंह, जिला कोषाध्यक्ष विजय कुमार राम, बलदीप सिंह, KGK महाविद्यालय के प्राचार्य सुनील कुमार सिंह, MGM डिग्री कॉलेज संभल के प्राचार्य योगेंद्र कुमार सिंह, डॉक्टर विनोद कुमार पांडे, डॉक्टर PK शुक्ला, डॉक्टर राजीव चौहान, डॉक्टर संजय सिंह, डॉक्टर महेंद्र कुमार, गोविंद बल्लभ पंत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शाहपुर तिगरी के प्रधानाचार्य डॉक्टर जयविंदर देवल, संयोगिता मलिक, पूनम चौहान, वंदना शंखधर, दीप्ति ग्रेवाल, डॉक्टर विनीता सिंह, भुवनेश्वर जिंदल, रेहाना परवीन, प्रतिभा भारद्वाज, मनहर वाधवानी, कशिश चौहान, गीता कैरा आदि 200 से अधिक शिक्षक शिक्षिकाओं एवं शिक्षाविदों ने प्रतिभाग कर शैक्षिकी उन्नयन व सामाजिक समरसता एवं जनजागरण का संकल्प लिया। सभी को शैक्षिकी उन्नयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु प्रशस्ति पत्र देकर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम का संचालन जिला मंत्री नीलम कुमारी भूयार एवं डॉक्टर सुधा सिरोही ने संयुक्त रूप से किया। सकारात्मक चीजें हैं, चाहे वो हिंदी के शब्दों में जिसको भी जिसका स्त्रीलिंग है उसके बिना निर्माण ही अधूरा है। H2O के बिना, H2O में ऑक्सीजन के बिना पानी क्या है? वैसे तो हम कहते हैं कि पांच तत्व है बनाए। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद ने भारतीय नववर्ष नवसंवत्सर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2080 के शुभारंभ पर मुरादाबाद के MIT कॉलेज सभागार में राष्ट्र निर्माण में मातृशक्ति का योगदान या भूमिका जैसे एक महत्वपूर्ण विषय पर शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी का आयोजन किया। इस शैक्षिक उन्नयन संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुरादाबाद मंडल के मंडल आयुक्त आदरणीय आजन्य कुमार सिंह जी और मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के उच्च शिक्षा के राष्ट्रीय प्रभारी आदरणीय महेंद्र कुमार जी रहे।